एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह साहब भी हमारे साथ शो पर जुड़ते हैं, उनका भी कर रहे हैं स्वागत। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो बताएं, इस समय बाजार पर क्या नजर है आपका? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आई थिंक मार्केट में जिस हिसाब से हमने ग्लोबल क्यूज की वजह से जो सेलिंग प्रेशर देखा था, आई थिंक आगे जाके थोड़ा मार्केट वोलेटाइल ही रहेगा अगले 3-4 दिन के लिए। तो आई थिंक कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए, स्पेसिफिकली इंडेक्स परस्पेक्टिव से ओवरनाइट पोजिशन कैरी नहीं करनी चाहिए। तो जहां तक निफ्टी की बात है, निफ्टी को जो इमीडिएट सपोर्ट बनता है स्पॉट लेवल्स पे वो है 22,300 के आसपास, तो वही जोन बेस बनता है, हमने पहले भी बाउंस देखा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में सेकेंड हाफ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर हम 22,300 के नीचे क्लोजिंग दे देते हैं तो हम और भी शायद डाउनसाइड पे फॉल करेंगे। सो मेरा कहना है कि यहाँ से एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग साइड के ऊपर मैं कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा निफ्टी के ऊपर, जहाँ पे आप 22,350 का स्पॉट पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट यूपीआई इज अगेन एन एप्लीकेशन व्हिच डिटेल्स आ रही है। कुणाल शाह साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। कुणाल जी, आप बता रहे थे अपनी निफ्टी की स्ट्रेटजी और साथ ही बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताएं सर। निफ्टी के लिए जहां तक दीपांशु मैंने मेंशन किया था, जब तक 22,300 ब्रेक नहीं करता है व्यू पॉजिटिव है, 22,450-500 तक एक रिकवरी आ सकती है, तो निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव रहेगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाई देता है, 48,000-47,800 एक सपोर्ट जोन है, और आज के स्टार्टिंग सेल ऑफ के बाद भी हमने ये सपोर्ट मेंटेन होते हुए देखा है, तो निफ्टी में आप एक बैंक निफ्टी में आप एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हो 40,400-500 तक। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे करंट लेवल से खाली इंट्राडे परस्पेक्टिव से मैं कॉन्ट्रा भी लेना बाय साइड। और आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे सर? ट्रेडिंग आइडियाज फर्स्ट मेरा रहेगा मेटल स्पेस में से, मेटल इंडेक्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हमने ऑलरेडी देखा है कि एक बुल रन स्टार्ट हो चुका है, तो वहां से मेरा टॉप एनएमडीसी। एनएमडीसी आप देखोगे कि हायर टाइम फ्रेम पे भी एक हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है लोअर लेवल से पिछले 2-3 दिनों में, तो करंट लेवल पे आप एनएमडीसी को लॉन्ग कर सकते हो, 246-245 के आसपास प्राइस चल रहा है, और 237 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 254 से लेकर 260 के टारगेट रहेंगे अपसाइड के लिए। जो सेकंड पिक है वो भी मेरा बाय साइड के ऊपर ही है, और ऑयल एंड गैस जो स्पेस है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है करंट लेवल से भी, वहां से मेरा टॉप पिक रहेगा पेट्रोनेट। पेट्रोनेट आप देखोगे ऑलरेडी हमने लास्ट वीक एक ब्रेकआउट देखा था 300 के ऊपर, और उसके बाद स्टॉक उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो 308 करंटली चल रहा है, आप करंट लेवल पे उसको लॉन्ग कर सकते हो, 298 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउनसाइड के ऊपर, फर्स्ट टारगेट रहेगा 320 का और सेकंड टारगेट रहेगा 330। तो ये है आपके लिए पेट्रोनेट और एनएमडीसी, दो स्टॉक्स जहां पर रखनी है नजर। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी जुड़ने के लिए और अपने कॉल शेयर करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।